स्वागतम स्वागतम स्वागतम। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक प्यारा सा गिफ्ट लेके आया हूँ, मेरी फेवरेट टॉप 10 वेब सीरीज जो कि आप लोगों को हिंदी डब में भी देखने के लिए मिल जाएगी। और अगर आप लोगों ने इनमें से एक भी वेब सीरीज को मिस कर दिया है तो भाई बहुत बड़ी गलती कर रहे हो आप लोग, और इस गलती को आप लोग अब भी सुधार सकते हो क्योंकि इन वेब सीरीज का कॉन्सेप्ट इतना ज्यादा मस्त है कि आप लोग भाग कर ये वेब सीरीज देखने जाओगे। तो चलो जल्दी से इस वीडियो को शुरू करते हैं। ये है टॉप 10 बेस्ट वेब सीरीज इन हिंदी डब्ड। तो 10वें नंबर पे आती है 2018 में आई नेटफ्लिक्स की वन ऑफ द बेस्ट साइकोलॉजिकल थ्रिलर वेब सीरीज यू, जिसकी IMDb रेटिंग है 7.7। और इसकी स्टोरी फोकस करती है जो नाम के एक बहुत ही ज्यादा शातिर इंसान के ऊपर, जिसे अगर जो भी लड़की पसंद आ गई ये उसे पाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हो जाता है। अब एक लड़की को पाने के लिए एक पागल इंसान किस हद तक जा सकता है वो इस वेब सीरीज में बहुत ही ज्यादा खतरनाक तरीके से दिखाया गया है। इस वेब सीरीज के टोटल 4 सीजन्स आ चुके हैं, और हाँ, इस वेब सीरीज को अपनी फैमिली के साथ देखने की गलती बिल्कुल भी मत करना, वरना चांटे किधर किधर से पड़ेंगे आप लोगों को खुद समझ नहीं आएगा, और इसमें मेरी कोई गलती नहीं होगी। नेक्स्ट वेब सीरीज है 2013 में आई ब्लैकलिस्ट, जिसकी IMDb पे रेटिंग है 8.0 की। और बात करें इसकी स्टोरी की तो एक मोस्ट वांटेड क्रिमिनल होता है जिसके पीछे FBI हाथ धोकर पड़ी है, लेकिन ये बंदा अचानक से एक दिन सरेंडर कर देता है, वो भी एक शर्त पर कि ये सिर्फ एलिजाबेथ के साथ काम करेगा और दुनिया के मोस्ट वांटेड क्रिमिनल्स की इन्फॉर्मेशन देगा और साथ ही साथ उनको पकड़वाएगा भी। तो अचानक से ऐसा क्या हुआ कि ये बंदा FBI की मदद करने लगा? भाई इसका रीजन तो आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है, जिसके पीछे दुनिया पागल है ये बंदा भी उसी चीज के पीछे पागल है। तो अब आगे इस वेब सीरीज में क्या होगा वो तो आप खुद ही देख लेना, क्योंकि ये वेब सीरीज आपको नेटफ्लिक्स पर हिंदी डब में देखने के लिए मिल जाएगी, जिसके टोटल 10 सीजन आ चुके हैं भाई, और इसको अकेले बैठकर देखना प्लीज। तो नेक्स्ट है 2021 में आई कोरिया की वन ऑफ द बेस्ट वेब सीरीज स्क्विड गेम, जिसकी IMDb रेटिंग है 8.0 की, और इसकी स्टोरी फोकस करती है एक गेम के ऊपर, और ये कोई ऐसा वैसा गेम नहीं है। इसको खेलने के लिए सिर्फ उन्हीं इंसानों को चुना जाता है जो पूरी तरह से कर्ज में डूबे हुए हैं, और अगर ये लोग जीत गए तो इनको अंधा पैसा मिलेगा, इतना जितना कि इन लोगों ने सोचा भी नहीं होगा, और अगर गलती से एलिमिनेट हो गए तो उतनी ही दर्दनाक तरीके से इन्हें मार दिया जाएगा। भाई ये वेब सीरीज बहुत ही ज्यादा मस्त है, और उतनी ही मस्त है इसकी हिंदी डबिंग, जो कि आपको नेटफ्लिक्स पर देखने के लिए मिल जाएगी, और इसका सेकंड सीजन भी आने वाला है, तो जल्दी से इस वेब सीरीज को देख लेना। 7th नंबर पे आती है 2017 में आई बेस्ट क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज मनी हाइस्ट, जिसको IMDb पर 8.2 की रेटिंग मिली है। और बात करें इसकी स्टोरी की तो एक प्रोफेसर होता है जो कि एक टीम बना रहा है क्योंकि उसको दुनिया की सबसे बड़ी चोरी करनी है, वो भी स्पेन के अंदर। भाई इस वेब सीरीज के अंदर क्या कैरेक्टर डेवलपमेंट है, एक एक कैरेक्टर से आप लोगों को प्यार हो जाएगा। और बात करें प्रोफेसर के प्लान की तो भाई इतना ज्यादा एक्यूरेट कि इनको चोरी में क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है उन सब का प्लान पहले से ही रेडी है। तो आपको इस वेब सीरीज में देखने के लिए मिलेगा कि कैसे ये लोग सरकार के नाक के नीचे से सारा पैसा उड़ा कर ले जाते हैं। भाई बहुत ही ज्यादा जबरदस्त सीरीज है, और उतनी ज्यादा जबरदस्त है इसकी हिंदी डबिंग, जो कि आपको नेटफ्लिक्स पर देखने के लिए मिल जाएगी। इसके 5 सीजन आ चुके हैं विद कंप्लीट स्टोरी, तो भाई इसको तो जरूर अपनी लिस्ट में ऐड करना। और 6th नंबर पे आती है 2005 की क्राइम एक्शन से भरपूर वेब सीरीज प्रिजन ब्रेक, और इसकी IMDb रेटिंग है 8.3। और कहानी की बात करें तो दो भाई होते हैं जिसमें से एक भाई जेल में है और उसको मौत की सजा सुना दी गई है, तो दूसरा भाई उसे जेल से बाहर निकालने के लिए एक मास्टर प्लान बनाता है। और भाई क्या प्लान होता है यार, कोई इतना ही खतरनाक प्लान कैसे बना सकता है? तो क्या वो अपने भाई को छुड़ा पाएगा, और उसके सामने कैसी कैसी प्रॉब्लम्स आती है वो तो आपको इस सीरीज में ही देखने के लिए मिलेगी। और भाई टोटली वर्थ इट सीरीज है, जिसके 5 सीजन आ चुके हैं, और ये डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे आपको हिंदी डब में देखने के लिए मिल जाएगी। तो नेक्स्ट है 2017 में आई बेस्ट साइकोलॉजिकल थ्रिलर वेब सीरीज माइंड हंटर, जिसको IMDb पे 8.6 की रेटिंग मिली है। और बात करें इसकी स्टोरी की तो दो FBI एजेंट होते हैं जिनको एक खतरनाक सीरियल किलर की इन्वेस्टिगेशन करनी है, तो उसके चक्कर में ये इतने सारे सीरियल किलर्स के इंटरव्यू लेते हैं लेकिन जो पकड़े जा चुके हैं। अब भाई एक आम आदमी सीरियल किलर कैसे बनता है और उसके दिमाग में इतना खतरनाक तरीके से मर्डर करने का आइडिया कैसे आता है, यह जानने के बाद आपकी रूह कांप जाएगी। और अगर आप लोगों को साइकोलॉजिकल थ्रिलर वेब सीरीज देखना पसंद है तो इस सीरीज को तो बिल्कुल भी मिस मत करना, और ये वेब सीरीज आपको नेटफ्लिक्स पर देखने के लिए मिल जाएगी। तो 4th नंबर पे आती है 2017 में मार्वल की बेस्ट क्राइम ड्रामा
ड्रामा वेब सीरीज डेयर डेविल, और भाई इसको 8.6 की रेटिंग मिली है। बात करें इसकी स्टोरी की, तो एक आदमी होता है जिसका एक एक्सीडेंट होता है और उस एक्सीडेंट की वजह से उसकी दोनों आंखें चली जाती है, लेकिन उसके शरीर के बाकी हिस्से ज्यादा एक्टिव और ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं। अब वो आंख से अंधा तो है, लेकिन उन पावर की वजह से वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो जाता है, और वही चीज आपको इस सीरीज में देखने में बहुत ही ज्यादा मजा आएगी। और मार्वल की वेब सीरीज है तो काफी ज्यादा वर्थ इट है, और ये वेब सीरीज आपको नेटफ्लिक्स पे देखने के लिए मिल जाएगी, वो भी हिंदी डब में, तो इसको तो जरूर देखना। तो तीसरे नंबर पे आती है 2006 में आई बेस्ट साइकोलॉजिकल क्राइम ड्रामा वेब सीरीज डेक्स्टर, और भाई इसको 8.7 की रेटिंग मिली हुई है। अब बात करें इसकी स्टोरी के बारे में, तो डेक्स्टर नाम का एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर होता है जो कि अपने खाली टाइम में एक सीरियल किलर होता है, लेकिन ये बंदा सिर्फ उन्हीं लोगों को मारता है जो मासूम और छोटे बच्चे को बहुत ही ज्यादा बेरहमी से मारते हैं। और भाई आप लोगों को डेक्स्टर की साइको किलर वाली पर्सनैलिटी बहुत ही ज्यादा पसंद आएगी, क्योंकि इसकी स्टोरी इतनी ज्यादा इंगेजिंग है, अगर तुम लोगों ने इस सीरीज को एक बार भी शुरू किया तो पूरी देखे बिना रह नहीं पाओगे। इसके टोटल 8 सीजन आ चुके हैं और ये आपको जियो सिनेमा में फ्री में देखने के लिए मिल जाएगी। तो दूसरे नंबर पे आती है 2010 में आई ब्रिटिश क्राइम ड्रामा वेब सीरीज शेरलॉक, और भाई इसकी IMDb रेटिंग है 9.1 की, मतलब खुद समझदार हो कितनी जबरदस्त सीरीज होने वाली है। बात करें इसकी स्टोरी की, तो शेरलॉक नाम का एक इंसान होता है जिसकी ऑब्जर्वेशन पावर इतनी ज्यादा खतरनाक है कि वो बड़े से बड़े मिशन चुटकियों में सॉल्व कर देता है, लेकिन अब उसकी लाइफ में कुछ ऐसे मिशन आए हैं जिसको करते करते वो इतना ज्यादा एंगेज हो जाएगा जिस तरह आप इस सीरीज से एंगेज हो जाओगे। तो इस सीरीज को तो बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि इसके 4 सीजन आ चुके हैं और चारों के चारों आपको प्राइम वीडियोस पे देखने के लिए मिल जाएंगे। तो भाई फाइनली पहले नंबर पे आती है अभी तक की सबसे ज्यादा बेस्ट, मतलब जबरदस्त वेब सीरीज ब्रेकिंग बैड, जिसको IMDb पर 9.5 की रेटिंग मिली है। और बात करें इसकी स्टोरी की, तो एक केमिस्ट्री टीचर होता है जिसके दिमाग में एक खुराफाती आइडिया आता है। अब वो कुछ एक्सपेरिमेंट करके एक ड्रग बना देता है जिसको मार्केट में भेजने के बाद उसकी बहुत ज्यादा डिमांड होने लगती है। अब डिमांड की वजह से ये अपने धंधे को और ज्यादा आगे बढ़ाना चाहता है। अब आगे बढ़ाने के चक्कर में ये अपने से बड़े ड्रग माफिया से टक्कर ले लेता है, जिसकी वजह से इसकी फैमिली भी खतरे में पड़ जाती है। अब ये अपनी फैमिली को बचाने के लिए और अपने धंधे को और आगे बढ़ाने के लिए क्या कुछ नहीं करता, वो सब आपको देखने के बाद बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है, और ये वेब सीरीज बहुत ही ज्यादा वर्थ इट है, तो इसको तो बिल्कुल भी मिस मत करना। सबसे पहले यही वेब सीरीज जाकर देखना, जो कि आपको नेटफ्लिक्स पर देखने के लिए मिल जाएगी, लेकिन अगर आपको हिंदी डब में देखना है तो आपको इंटरनेट की शक्तियों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो ये थी कुछ वेब सीरीज जो कि मेरे दिल के बहुत ही ज्यादा करीब थी, और अगर आप लोगों ने इनमें से कोई भी वेब सीरीज देखी थी तो कमेंट करके जरूर बताना, और अगर मेरे से कोई वेब सीरीज छूट गई जो कि इससे भी ज्यादा जबरदस्त थी तो वो भी आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो एक लाइक तो जरूर करना। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।